the Voice Kids' highest TRP on and TV. Time to, you know, celebrate, time to have fun, and bahut maza karenge aur enjoy karenge. Yes, so we are here at Endemol's office. An entire team is here, and I think it's a teamwork, so we are celebrating together. We are really happy. And now our battles round two, we have finished the auditions. So we are super excited, and thank you all of you, all the audience, love for loving the show. Kids are amazing, so keep supporting them. हमारे वॉइस किड्स इंडिया के बच्चे तो बहुत ज़बरदस्त हैं और हमें बहुत हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देम को मिलने का मौका मिला उनसे गाने सुनने का मौका मिला और उनसे बहुत सारी चीज़ भी हमने सीखी है तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू नो फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वॉइस किड्स थैंक यू थैंक यू फॉर्मेट ऐसा है कि जो वाकई में अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो हमें चुनते हैं क्योंकि जैसे बहुत अच्छी आवाज़ होती है तो तीनों ही बजट दब जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी चॉइस होती है तो मैं लकी हूँ कि कुछ उनमें से कुछ एक आध अच्छे बच्चे ने मुझे भी चुना ली और आई थिंक बच्चे जहाँ से भी शुरू करते हैं वो शुरुआत की पॉइंट होती हैं जहाँ उनमें ऑफकोर्स वो नेचुरल टैलेंट है और उनमें वो एक सदी हुई आवाज़ है लगता है लेकिन यहाँ आने के बाद जो ट्रेनिंग शुरू होती है यहाँ आने के बाद जो उनकी एक डिसिप्लिन एक अप्रोच होती है किस तरह से गाने को परफॉर्मेंस को और बेहतर करें तो उससे जो जो बच्चे ज़्यादा उससे अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं वही आगे जाकर शो जीतते हैं तो ये तो शुरुआत जो आपने देखा कि हम अच्छे अच्छे बच्चों को चुन रहे हैं पर बच्चे हमें चुन रहे हैं लेकिन ये शुरुआत है और आगे आगे यू कांट टेल के जो शायद बहुत ही एवरेज कंटेस्टेंट या पार्टिसिपेंट हो वही जीत जाए क्योंकि उसकी जो हर एपिसोड दर एपिसोड बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से लोगों में लगता है कि यार इसको जीतना चाहिए कौन सी टीम आपको लग रहा है कि आपको टक्कर देगी नीति या शेखर नहीं दोनों टीम में मुझे लगता है कि हमारी टीम से बेहतर आवाज़ें हैं लेकिन अब जो जो कोच ज़्यादा मेहनत करेगा वही जीतेगी और मेहनत के मामले में मैं थोड़े आगे हूँ और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है उनकी क्या मेहनत किस तरह बहुत से तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं बैटल्स की वजह से बहुत सारे बच्चे नर्वस भी हो गए हैं समझ नहीं पा रहे हैं कुछ तो पहले ही लग रहा है कि यार ऐसी टीमिंग हुई है इन दोनों तोपों के बीच में मैं कैसे आगे आऊँगी उस तरह की फीलिंग्स आई हैं बट मैं बस यही कहना ये उनको भी यही कह रहा हूँ और सबको यही कह रहा हूँ कि उस दिन जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वही आगे जाएगा फिर उससे पहले कोई भी प्लानिंग नहीं है कि ऐसा करते हैं कि इन तीनों में से मुझे ये चाहिए तो इनके साथ इसका करें एक तो मुश्किल होता है ना कि सबको एक ही गाने में गवाना है एक ही स्केल में गवाना है तो उस हिसाब से ही हम लोगों ने टीम बनाई जो उस गाने को निभा सके और फिर उसके बाद जिसकी परफॉर्मेंस बेटर वही आगे आएगी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे बस मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वॉइस इंडिया किड्स इतनी पॉपुलर शो हुई है मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जिनसे भी मिल रहा हूँ अभी भी दही हंडी के लिए कुछ गाकर आ रहा था वहाँ के भी बच्चे चिल्ला रहे वॉइस किड्स वॉइस किड्स मतलब वाकई हर मतलब इट्स जस्ट बिकम सच अ पॉपुलर शो हम लोग वॉइस जो फर्स्ट सीजन भी किए थे और इस बार भी कर रहे थे लेकिन इस बार ये मानना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स इज स्ट्रॉन्गर बच्चों का कमाल है थैंक यू